हेलो, नमस्कार सर, कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं कि आपकी कोई असुविधा हुई थी जिसके संपर्क में आपने तुम लोग हो कहाँ इतने दिनों सर? आप नहीं, सर मेरी बात सुनो, ये शिकायत दर्ज करा कि डेट दिखाई तुम लोग को? सर मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, आप नम्रता से बात करें सर। नम्रता से क्या बात कर, नम्रता से बात कर रहे हैं हम, शिकायत दर्ज कराए कितने दिनों में बताओ? आज हमारे नंबर आपके दिन हो गए होंगे। मेरी बात सुन, जब तू जाता है तो फोन कर सकते, फोन वाला फोन कर सकता है, कंपनी वाला फोन कर सकता है, ना हमारे किसी को फोन नहीं कर पा सर। आपके कंप्लेन कराए हुए दिन हुए होंगे सर, लेकिन आपका कॉल कस्टमर केयर में है। हम आपसे बोलना चाहते हैं कि सर आप नम्रता के साथ किसी से बात नहीं कर रही, हमारा तुम्हारा नंबर करना बंद। सर मैं बोल रहा हूँ सर, आप नम्रता से बात करें सर, आप ऐसे इतने ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए, आप नम्रता से बात करें सर। एक मिनट सर, आप इतने एक्साइटेड ना हो जाए सर, नम्रता से बात करें। नम्रता हमारे साथ में, नम्रता बात करो। सुप्रभात सर, मैं नम्रता बोल रही हूँ सर। सर हम आपकी समस्या को ठीक करना चाहते हैं सर। आपकी जो समस्या है उसके अलावा और कोई समस्या है सर आपकी? समस्या तो हर जगह है ना, देखो ना उधर लड़की का नाम लड़के रख के लड़का बात कर रही है, समस्या नहीं है। ये नाम बोल लगता भैया तुम्हारा, माँ बाप ने रखा है, आप मेरे नाम का मजाक ना उड़ाएं, भावनाओं को ठेस पहुंचती है सर। नहीं उड़ा रहा हूँ भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं कंपनी को गाली दे रहा हूँ। इतना मेरा सिम अभी करीब सर, आप शांति से बात करें सर, आप शांति से बात करें, आप शांति से बात करें सर। सर मैं हम शांति से बात नहीं कर सर, मैं शांति बोल रही हूँ सर, मैं शांति, सर मैं शांति बोल सर, एक सर मैं बोल रहा हूँ, लल्ला मैं शांति बोल रही हूँ। बताओ ये चल क्या रहा है, ये तुम लोग मजाक कर रहे हो? अरे मैं शांति बोल रही हूँ सर, आपकी सारी सुविधाओं इधर सुनो, इधर चौराहे पे ला करके करके मारेंगे तुम्हारे, समझे? डंडे घुसा देंगे तुम्हारी, जो भी बोल रहा है तफरी ना करो। देखिए ये रोमांटिक बातें रात को होगी, ठीक है? रोमांटिक बातें रात को सर, मेरी आपसे प्रार्थना है सर, मेरी आपसे प्रार्थना है सर, आप प्रार्थना का क्या करें, अभी प्रार्थना बोलते तू फिर से लौंडे से बात करोगे? नहीं सर, प्रार्थना में जो मिलता है ना, क्या मिलता है प्रार्थना? प्रसाद मिलता है, प्रसाद हाँ प्रसाद है सर, हमारे साथ प्रसाद है, प्रसाद से बात कीजिए, ये उसके डिपार्टमेंट की समस्या है। प्रसाद बात कीजिए। सर मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा करते? नमस्ते सर, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। आपकी जो समस्या है वो मैं सुलझाने आई हूँ। बोलिए ना सर, कौन सा आपका प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं सर? क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम प्रसाद है, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। अरे पता नहीं कौन चल रहा है। आपका जो समस्या को हम दूर कर सकते हैं सर। मैडम आप फोन रखो वरना तो आपको भी दे देंगे, समझे? सच बता रहे हैं हाँ। भाई प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। यार यार हम मिले आपको नहीं, लेकिन आप किससे बात करना चाहेंगे सर? आप प्रसाद से, शांति से, नम्रता से? नम्रता से नहीं, वो मुझे को कुछ नहीं चाहिए, बस भैया वाले का प्रसाद देकर के शांति से बैठ लेने दो। हेलो, नमस्कार सर, हम आपके बैंक से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर इस महीने की आपकी जो सैलरी है सर, वो 10 तारीख को क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक के कुछ स्टाफ है जिनकी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाई, तो हमारे जो ग्रेड डी के स्टाफ हैं विप्लव दा, आपकी 27,000 की सैलरी हमने उनको क्रेडिट कर दी है सर, इसलिए आपकी सैलरी में थोड़ी सी दुविधा होगी, वो 10 तारीख तक आपको क्रेडिट होगी सर। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी पे उसके मीन्स व्हाट? हमारे बैंक के पास में थोड़े पैसों की कमी थी, तो जब पैसे हमने देखे आपके अकाउंट में आ रहे थे तो उसको बीच में रोक करके हमने विप्लव का पेमेंट करवा दिया सर। विदाउट द कस्टमर्स कंसेंट आप ऐसे कर सकते हैं आप लोग चीजें? सर वो हमें करना पड़ा सर, क्योंकि मजबूरी सर, वो ग्रेड डी का स्टाफ है सर, वो हमारे 38,000 रुपए सैलरी है सर। जस्ट लेट मी टॉक यू हेड प्लीज। सर पैसे तो आपके 10 तारीख को ही क्रेडिट होंगे सर। आई वांट माय मनी बैक। ऐसा नहीं सर, आप बैंक वाले से बात कर रहे हो ना, वालों से नहीं बात कर रहे हो कि मनी बैक आपको चाहिए, ठीक है सर? अरे आप कैसे मतलब सर, लीके से बात कीजिए। आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल टू द सीनियर सर, प्लीज हैव अ वर्ड विद आवर सीनियर। ओके सर, डू इट राइट नाउ। हेलो, आप मुझे एक बात बताए, आपका असिस्टेंट वहाँ पे जो भी कोई था वहाँ पे, उसने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। हाँ, अकाउंट, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बेबी, हाँ है? या बेबी? हेलो, हाँ बेबी। हेलो, अरे नहीं बेबी, सर एक मिनट रुकिएगा सर, मेरी वाइफ का फोन है। हाँ बेबी, हाँ वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था ना बेबी। हाँ हेलो, वो सोने का हार जो तुमने देखा था बेबी, आई गेट दैट। बेबी एक मिनट रुकना, बेबी एक मिनट रुकना, चिल्ला रहा है कोई। कहाँ पर है तू? हेलो सर, तमीज से बात कीजिए, तमीज से आप बात करो। मेरे वहाँ पे तुमने मेरे अकाउंट से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ, वो कुरियर, वो एक मिनट सर, कुरियर वाला मैन, हेलो कुरियर वाला आया सर, एक मिनट रुकिएगा, आई गो टू द कोर्ट राइट नाउ। बंद मिलेगा वो, डिलीवरी ले लेना, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी, आप दे दो थोड़ा सा पैसा। हेलो सर, आपके पास में कुछ पैसे हैं क्या सर? हेलो हेलो, कुछ खुले पैसे हैं क्या सर आपके पास में? एक यहाँ पे कस्टमर फोन रखा हुआ है, एक हेलो किसी ने मेरे अकाउंट से सर, एक मिनट सर, से खाना है सर मेरा, लेकर के आया मैं। मेरी बात सुनो, तुम लोग
तुम्हारी, तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल किसे लिया साले बैंक के सब? एक एक एम्प्लॉय को मैं बैंक की माँ बहने कर दूंगा साले मेरे अकाउंट से। हाँ वो ब्लाउज भाभी जी का अच्छे से सिलना, ठीक है। हाँ हेलो जी बोलिए सर। सर हाँ बताइए। I launch a complaint against your bank. So ये लेके आठवीं बार आप कर चुके कंप्लेन। दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफ एम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ये सी दिस इज नॉट द वे यू नो आप डू इट। हेलो आप पिछले शनिवार जी की वेडिंग में आए थे ना? हाँ हाँ जी। मैं वहीं से बोल रहा था। शादी में कोई कमी वगैरह तो नहीं रही ना? नहीं नहीं। कितने लोग आए थे आप लोग सर? जी मैं और मेरी वाइफ और दो। खाना कैसा लगा था आपको? खाना बढ़िया था भाई, बढ़िया। खाना बढ़िया था। कोई ऐसा आइटम जिसमें आपको लगा थोड़ी कमी वगैरह रह गई हो, मतलब हमें इम्प्रूव करना चाहिए? डेकोरेशन एंड म्यूजिक वगैरह सर सब मस्त? सब सब मस्त। अरे वाह। तो ऐसा सर की मैं का अकाउंटेंट बोल रहा था। ओके। तो अभी हम लोग वो टैली कर रहे थे पूरा, तो पता चला कि मतलब आप बहुत ही नीच लिचड़ और फालतू किस्म के इंसान है। हेलो आप ठीक तो है? दिमाग सही में है तो आपके पास? चीप तो दिमाग नहीं है हमारे पास में आप जैसा ना। आप किसको फोन लगा रहे हैं क्या? अरे हम सही आदमी को फोन लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोई जानता नहीं हूँ। आप और आपकी बीवी और आपके दो बच्चे चार जन आए, खाए तो कम से कम 600 रुपया प्लेट था, 2400 रुपया का खाए आप लोग, और दे के गए लिफाफे में 151 रुपए। सुनिए सुनिए। हेलो आप ठीक से देखिए, ऐसा बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे रहा है। एक सर्विंग ले ली फिर दूसरा प्लेट उठा लिया, 4800 का हमारा बिल हो गया भाई। अरे आप लोग बुलाते भी हो फिर खाने के बाद हिसाब भी करते हो कितना खाते हो कितना नहीं खाते हो, ऐसे शादी में कोई बुलाते है क्या? हम तो चिपड़ आदमी चीप आदमियों को पकड़ ले रहे हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट शादी में कभी बुलाएंगे नहीं ऐसे आप जैसे चिपड़ आदमियों को। मत बोलो। और सुनिए एक मिनट, जो नैपकिन दिया था ना नैपकिन जिसको आप रुमाल समझ करके लपेट के ले गए 4 की जगह 8, मुझे बात नहीं करनी आपसे सर। रुमाल में आपने 6 जलेबियां लपेट के आप ले गए अपने घर में। आप देखिए 6 नहीं, एक टोकरा लेके गया था पूरा। कैया कंजड़ लिचड़ किस्म के इंसान है। 150 रुपए। अरे तू चुप कर भैया, मैं दूल्हा बोल रहा था। अब आप ही सब लोग के दूल्हा भैया, जो आपने किया है उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। मतलब ठीक है सर, मैंने कितना प्लेट खा लिया हिसाब तो है आपके पास? पैसे चाहिए नहीं, पैसे तो हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे। गलती हो गया सर, मैं आपके शादी में गया, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास शादी में ही अटेंड नहीं करूंगा, कोई भी घर में अटेंड नहीं करूंगा। इतना बुरा भी मानने की जरूरत नहीं है आपको कि कोई भी शादी अटेंड नहीं करेंगे फलाने वगैरह। हेलो। हाँ बोलिए। गाली तो नहीं देंगे आप? मन तो कर रहे आपको जी भर के पूरे दुनिया का जितना खराब खराब गाली है ना सब आप ही को दूं। लेकिन पहले ये बात तो क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए ना आपने कि आपने लिफाफे में 150 रुपए नहीं दिए थे, फिर आप बिना मतलब इतना एक्साइटेड क्यों हो गए थे? बिना वजह मुझे बोल रहे वीडियो फुटेज वगैरह करके। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफ एम 93.5 से, और हमें नहीं नहीं आप शादी अटेंड कीजिए, बस वो 150 रुपए लिफाफे मत दीजिए। हेलो। मैदान थाने में आइए जल्दी से आप। थाने में क्यों? अरे आपका वो एक दोस्त है इधर में, कुणाल नाम है उसको, हम लोग पकड़े इधर में। हाँ बोल लो जे अपना के डेके नीते। लेकिन क्यों पकड़े हैं आप उसको? सुनिए जल्दी आइए, उसका बेल कराइए। लेकिन सर आपने उसको पकड़ा क्यों है? पकड़ा क्यों है जानती है आप उसकी हरकत के बारे में? एक नंबर का चिपड़ आदमी है, विक्टोरिया के गार्डन में घुस करके लड़की के साथ में इतनी गंदगी फैलाई, पूरा विक्टोरिया वाला वो ग्राउंड चिट कर रहा है, शर्म भी आती है। दोबारा कॉल करते। हेलो। ऐसे फोन रखे तू चली गई, इसको कौन छुड़ाएगा इधर से? कुछ भी आप बोलेंगे मैं मान लूंगी। अरे हम लोग अपना आँख से देखे सर, क्या आप मेरी बात करा सकते हो कुणाल से? जब तक बेल नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, वो लड़की है बगल में, बात करना तो उससे करा सकते हैं। वो लड़की वहीं पे बैठी हुई है। तो लड़की तो यहीं पे बैठी हुई है, दोनों को पकड़े हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात करवाई जरा उससे। लीजिए बात कीजिए। हेलो। हाँ कौन? मैं कौन नहीं, तू कौन है ये बता मुझे पहले, क्या कर रही थी तू कुणाल के साथ? वही कर रही थी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं साथ में, तू कौन है पहले ये बता। एक्सक्यूज मी। हेलो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसकी ओरिजिनल रियल गर्लफ्रेंड हूँ। एक लाफा कान के नीचे लगाती है, तूने जरूर कुछ काला डाइन किया होगा। उसको बोलते खूबसूरती का जादू जो तेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है। दस आती है, दस जाती है। अरे नहीं चलने दो, अभी झगड़ा चलने दो। तू उसके पैसों के पीछे पड़ी है मुझे पता नहीं है क्या? अरे साली कुटिया तू विक्टोरिया उसके साथ क्या मुंह मारने गई थी? अरे मैं विक्टोरिया हूँ तो क्या हुआ तेरे जैसे मिलने? अरे मैडम फोन दीजिए बहुत हो गया आप लोग का। सर रुकिए। अरे नहीं रुको रुको, अरे मजा आ रहा है, रुकिए ना सर, 2 मिनट रुकिए, मेरी बात होने दीजिए, अभी पूरे खत्म नहीं। आप भी मैडम आप भी ऐसा कर रही है तो मैं ऐसे नहीं करूँ तो कैसे करूँ? मैं जेल में बैठी हूँ, बेल के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तू वही कब? आप तो कहीं है साली हरामखोर। अबे तू हरामखोर, तेरे बाप बाप
तेरा बाप कल्लू कोयले मल जैसा दिखता है, उसका टायर छाप का एक दुकान है, तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? औकात में तो मत आना, पूरा कोलकाता हिला सकती। हेलो मैडम, आप लोग कितना गाली गलौज कर रहे हैं सर। एक तो आपने पता नहीं किसको पकड़ के ले आए, किसको पकड़ के, जिसके साथ में घुसा हुआ था आपका बॉयफ्रेंड। ये लोग मुंह काला नहीं मुंह गीला कर रहे थे उधर में, अभी आपके ऊपर में भी केस लगेगा। मैंने क्या किया? पुलिस वाले के साथ बदतमीजी से बात करी आपने। ऐसी पार्शियलिटी कर रहे सर आप, सामने उसके बैठे हुए हो, वो मुझे क्या नहीं क्या बोली जा रही है, कुछ तो सोचो आप। बहुत सोचा मैंने, तो बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, फिर पता चला कि बवासीर का इलाज हो सकता है। सर आपके बॉयफ्रेंड को विक्टोरिया से नहीं पकड़ा गया है। फिर कहाँ से पकड़ा गया सर? मतलब आपको इतना भरोसा है आपके बॉयफ्रेंड पे कि वो पकड़ा जा सकता है? नहीं सर, इसीलिए तो मैं लड़ रही हूँ ना सर। तो और ज्यादा मत लड़ लो, क्योंकि वो लड़की भी प्लांटेड थी। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। सर हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण सर? पापा की टायर की दुकान है? नहीं यार, पता नहीं, आई डोंट नो। एंड यू रिएक्टेड टू दैट एज वेल। हेलो, मैं ऐसे ही डायल कर रहा था एंड रैंडमली आपका नंबर लग गया सर। मुझे एक्चुअली फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना, सर उसमें ना कमेंट्री करने का मौका मिला है। अगर आपके पास में 2 मिनट हो तो क्या आप मेरी कमेंट्री सुनकर के बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा? कमेंट्री में इंटरेस्ट नहीं है भाई। सर मेरा मोराल बूस्ट हो जाएगा सर अगर आप। चल भाई ठीक है। अभिषेक के पास में डब्बा, डब्बे को अपने हाथ में लेकर के वो आगे बढ़ते हुए सीधा उन्होंने बॉल पास करी है डब्बे के साथ में शारिक को, और शारिक उस डब्बे को सूंघता हुआ उसके प्लास्टिक पर अपनी पैनी नजर बरकरार रखते हुए उस को पास करता हुआ एल भाई के पास में, और एल भाई के पास से होते हुए अभिषेक, अभिषेक के बाद में बबलू, बबलू के पास से ड्रिबल करते हुए डब्बा पहुंचा सीधा एक बार फिर से उसी इंसान के पास जिसने फोन उठाया है। पागल है, स्कूल का डब्बा ही फुटबॉल चलती थी, डब्बा चलना था सर, ये सोन पापड़ी का डब्बा था। आपको कुछ करना ही नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। आपके पास में डब्बा आता है दिवाली पे सोन पापड़ी का, वो आप किसी और को देते हो, किसी और के पास से किसी और के पास, फिर वो आ जाता हमारे पास में। बनाने की जरूरत क्या है सर? क्या? मैं बोल रहा था वो डब्बा जो है ना अपने पास में रखिए, खाइए। क्या रिसाइकल मार रहे हो सर आप? अरे मेरे घर में 50 सोन पापड़ी के डब्बे पड़े हैं, ले ले और ले ले मेरे से। दिवाली आई नहीं कि सोन पापड़ी सोन पापड़ी सोन पापड़ी ट्रेन में बिक्री कराइए। दिमाग खराब कर दिया। हेलो, उससे अकेले नाम बे मिशे डब्बे एक जिंद में जमाने इसते ना चेनिंग ऑन नो होइंच गना नो एंगो मनी के लिए मो वही खीनी खीनी खो सोने पापन डब्बे हे डब्बे। सर परेशान है सर, बाबा से रखे सोई है सोई है सोन पापड़ी का डब्बा से परेशान है सर। हे मुझे क्या कॉल कर रहे हो? कह रहे हैं आप ऑफिशियल डीलर है सोन पापड़ी का बक्सा का। अरे भाई साहब आप क्यों बात कर रहे हैं, मेरे को हिंदी नहीं आती है। हेलो, यहाँ का मौसम आ हिंदी ना। अबे ओए 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 क्यों, यहाँ जो भी है सुबह ले दे। ये बोल रहे हैं का बच्चा ये तू होगा, पिल्ला मारूंगा ना। नहीं ये सोन पापड़ी। हेलो, सोनू बोल रहे हैं। सब एक ही नंबर से बाप कॉल कर रहे हो, सोनू नाम होगा सोन पापड़ी पूरा ना। सोनू पापड़ी नाम है हमारा, गलत क्या है बोल रहे हैं, सही बोलिए। का है देते हैं डब्बा आप सोनू पापड़ी का? सोन पापड़ी मैं तो फाटूंगा। भाई साहब मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और पूरे शहर से आपको एक ही रिक्वेस्ट है, सोन पापड़ी आपके घर में आए तो वो खाइए, दूसरों तक उसको ना टरकाइए, ठीक है? हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। नहीं, आपको मैं पहचाना नहीं, कहाँ मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है आप, मतलब नहीं आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओ अच्छा, माफ कर दीजिए। एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक। नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम। क्या उसका उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। 3511
थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है। पागल कर दिया है? वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ़। अरे बतानी क्या, वो जुआ खेलता है? जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं नहीं बेकार में, वो लड़का बहुत नोटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। होने दीजिए ना। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, आप ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसकी मूछें वाओ क्या लग रहे थे। अरे मुझे सही में उसके डोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत जलील आदमी है। जलील आदमी? अच्छा जलील आदमी है। और मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। हाय ऋषभ। हाँ ऋषभ बोल रहा हूँ। ऋषभ मैं दीपक बोल रहा था यार। कौन दीपक? आई एम श्योर दैट यू वोंट रिमेम्बर। मैं यार, तू सेक्शन ए में था, मैं सेक्शन बी में था। हाँ याद आया? ओ या ड्यूड, हाय ब्रदर, कैसे हो? मैं बिल्कुल मजे में यार, तू कैसा यार? मैं एकदम ठीक हूँ भाई। कहाँ यार? मैं एक्चुअली आई हैव शिफ्टेड टू मॉरिशियस एंड आई हैव जस्ट कम टू कलकत्ता, तो संदीप से तेरा नंबर मिला। ओके ओके भाई, राइट। एकदम घूम हो गया भाई, तू तो मतलब भाई सालों बाद आवाज सुन रहा हूँ तेरा यार। हाँ एग्जैक्टली यार, बहुत टाइम हो गया यार इंडिया छोड़े हुए। वो बचपन वाले दिन याद आते हैं यार एकदम, मतलब बड़े कमाल के दिन हुआ करते थे। बात तो सही है भाई, हम लोग स्कूल में एक कैसे करे टिफिन झपट्टा मार मार के खाते थे। एंड इफ यू रिमेम्बर अपने मैचेस वगैरह हुआ करते थे, उसमें यार कैसे हम लोग मतलब मर मर के कोई एक रुपए देता, कोई 50 पैसे देता, और हम लोग बॉल खरीदा करते थे। हाँ बे, फिर वीकेंड में जाते थे हम लोग घूमने के लिए, पैसा जमा करके यार ले दे क्या। हम लोग एलियट पार्क ही तो गए घूमने के लिए। नाली नाली से वो दो पत्थर लगा करके बॉल उठाते थे, एंड उसके बाद में बॉल को अच्छे से धोते थे, हाथ भले ही ना धोए। बात तो सही है भाई, गजब गजब दिन थे यार। ईश ची 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 ची, उसके लिए पनिशमेंट भी मिली थी। हाँ बे, से बाहर खड़ा कर दिया था हम लोगों को स्कूल में, जो आम का पेड़ था उसपे पत्थर मार करके हम लोग आम तोड़ा करते थे, एंड वी गॉट पनिश्ड मेनी अ टाइम्स फॉर दैट। वो पत्थर के चक्कर में शीशा भी तोड़ जाता हम लोगों ने यार। हाँ बचपन में कैसे इतना खेलते कूदते थे, धूप में काले भी नहीं होते थे। अभी तो मतलब थोड़ा सा खाता हूँ यार, पूरा पेट फूल जाता है, तो आई एम हिटिंग जिम एवरी डे। ओके पता भाई, अभी यू रिमेम्बर दैट, सनस्क्रीन के पैसे नहीं हुआ करते थे, उसके लिए वो लगाना पड़ता था उस टाइम में। तू विटामिन की गोली लेता है क्या? विटामिन की गोली विटामिन की गोली तो चल ही रही है भाई। ऐसा सरप्राइज दिया भाई, आज का दिन मेरा और अच्छा निकलेगा अभी तो। नहीं नहीं यार, अभी प्लान करते हैं मिलने का। अभी है कहाँ पे तू? मैं अभी कलकत्ता में आया हूँ यार, में रह रहा हूँ मैं, तो आज ही मिलना भाई। हाँ मैं आज शाम का प्लान बनाता हूँ ना यार। याद है तेरे को मतलब बचपन में ऐसे हाथ गंदे वंदे, खाना ना खा लेते तो कुछ नहीं होता था अपने को। हाँ भाई, अभी तो मेरा और बुरा हाल है पता है, सैनिटाइजर वाला भी काम शुरू कर दिया मैंने। हाँ मेरे को मालूम है, तू तो दरवाजा खोलता उसके बाद में भी पहले हैंड सैनिटाइज करता है। ये कैसे पता तेरे को? हाँ, मेरे को सब मालूम है भाई। अबे नहीं नहीं, ये कैसे पता तेरे को दरवाजे वाला? क्योंकि आपके फ्रेंड ने मेरे को आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आरजे प्रवीण? हाँ जी। ओहो ब्रदर, मुर्गा बना रहे थे क्या? नहीं मुर्गा नहीं बना रहा था आज, एक्चुअली आज नॉस्टैल्जिया में बात करते करते ना बह गया मैं, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बचपन में वो कैसे खेलते कूदते थे, दिन भर 2.5 मन खा लेते थे फिर भी वजन नहीं बढ़ता था, नाली से बॉल निकाल करके लाते थे, हैंड सैनिटाइज नहीं करते थे, बट फिर भी एकदम परफेक्ट रहते थे। अभी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। जी प्रवीण भाई, एक्चुअली आपने इतना नॉस्टैल्जिक मेरे को कर दिया, मतलब फिर रोना ही बाकी है, मतलब ऐसे दिन याद दिला दिया आपने मेरे को, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। हेलो हेलो, नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो बेटे। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था, आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना, अनिरुद्ध। आप पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। आप बजाते बेटे? जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे? एक दो मिनट, जिप खोल के रख रहा, तू जिप खोल के रख। हेलो हेलो, आप क्यों बजाऊ यार? बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे करवाने लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या तो ना तुम्हारी समस्या, तुम ऑटो यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊंगे अपनी बीवी के? अरे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा
फालतू की बातें कर रहे हैं। सुन मेरी बात, जिप खोल के रख तू, पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो, ओम शांति ओम। ठीक है अब मेरी बात सुन, मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिया। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला, मेरा खुद का हो गया पजामे में, 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मुंह देता है, तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मुंह देगा। नहीं बजाऊंगा, प्लीज बजा दे बेटे, बेटे बजा दो। हेलो, मैं बता रहा हूँ गाली बक दूं आपकी। है गाली बक देगा? देख मेरा पोता क्या कह रहा है, दादू को कुछ दे दियो, दादू को कुछ दे दियो। क्या मतलब है, क्या यहाँ पे मैं नहीं बजाऊंगा, गिटार नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे, कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा, गिटार से शिकायत कर दूंगा। तू छोड़ दे सौरभ, तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से, भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था बेटे? मैं ही। हेलो, अरे भैया चौबे बात कर रहा हूँ मैं, पुनीत प्रॉपर्टी डीलर वाले हो गए आप? हाँ जी, कौन ये भैया? बोल तो दिया, चौबे बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ 6-7 महीने पहले हमारे पिताजी ने आपके साथ डीलिंग करी थी, रेंट पे घर लिया था, ठीक है? वो जो है रेंट की सिक्योरिटी और हमारा रेंट जो है वापिस कर दो आप, मैं आपके पास आऊंगा, हमको यहाँ पे जो है घर नहीं रहना, हम खाली कर रहे हैं इस घर को। क्यों खाली कर रहे हैं तो बताओ पहले हमें। भैया ऐसे मोहल्ले में आपने डाला है यार, अरे शाम के टाइम में दूध लेने गया हूँ पीछे डीडीओ मार्केट में, वहाँ पे हमारी पड़ोस की एक मोहतरमा खड़ी हुई थी, उन्होंने मुस्कुरा के नमस्ते करा, मैंने भी इशारे में नमस्ते कर दिया, अब उनके पति जो थे साथ में खड़े हुए थे वो फालतू बात करने लग गए। क्या बात होगी बताओ? अरे मैंने जैसे ही नमस्ते करा तो मेरे सामने आके कहते हैं, ओ शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी आंटी। ये है कौन, आवाज कैसी आ रही है? अरे तो तुमको बता रहा हूँ मेरे मालिक, उन्होंने ये बात बोली कि शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला अरे मेरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, आप साइड में आके बैठो, वहीं पे बेंच लगा हुआ था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। अब बताओ ऐसे कहने लगे? हाँ क्या आवाज आ रही है बीच में? हाँ तो मतलब हम तुम्हारे घर में बैठेंगे उठेंगे? क्या मूवी देखने गया क्या? अरे मूवी नहीं देख रहा मैं, तुम्हारे को एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई ऐसा है मेरी भाभी समान है, मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी, तो कहते हैं झूठ नहीं। हम तुम में इतने छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। को ये बताओ बीच में बात क्यों ला रहे हो? एग्जैक्टली करने ढंग से बात करो ना। बीच में आवाज क्या आ रही है, उन्होंने जो बात बोली है वो तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे तुम? हाँ तो ढंग से बोलो ना, बीच में पिक्चरों की बात क्यों ला रहे हो? अरे वही बात तो बोली है उन्होंने, तो बोलिए मैं क्या करूँ फिर। हाँ तो सुनो उन्होंने क्या बोला है यार। क्या बोला है? हट कर रहे हो, हंस रहे हो यार दूसरे की तकलीफ में तुम। मैंने उसके बाद बोली मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही जो कहते हैं। मेरे बारे में इतना मत सोचना। अबे ओ, हेलो। दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अबे ओ सुन, सलमान खान की छठी औलाद, मेरी बात सुन, अगर अब आवाज आ गई ना फोन काट दो, सही है? मेरी बस इतनी बात सुन लो, उनकी बीवी ने क्या बोला, तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरे मार के। अरे बुड्ढा कौन है, 34 साल का तो टोटल चौबे बोल रहा हूँ। कितना हार में पैदा हुआ था क्या चौबे? कितना गीला कर देंगे तुमको ऊपर से लेके नीचे तक। हमारे गांव के बच्चे पता क्या करते हैं तुम जैसे को देख के? हमारे गांव में धोने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं। हाँ देख रहा है, तमंचा चलाना सिखाते हैं। तमंचा तेरी। भाई बस 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 भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। अरे भाई यार, मेरे को लगा नहीं किसका फोन आ गया भाई। ओ नहीं यार, फालतू की बातें मत करा करो आप। हेलो, हाँ संजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई, ये सुनने में आया आपने कुछ अपना ये फूलों का गुलदस्तों का बिजनेस शुरू करा है? जी जी जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी लोकेलिटी में एक इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मतलब और क्या क्या गिफ्ट आइटम में भी रखी हुई है आपने? जी सब कुछ, टेडी वगैरह, चॉकलेट वगैरह, केक वगैरह। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। खैर मैं फिलहाल के लिए आपको एक मदद चाहिए थी, मैं पूछ रहा था ये कहते हैं वो फूल होता है ना जिसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है? हाँ जी हाँ जी।
गुलाब का? नहीं गुलाब नहीं, मैं बना दूंगा बड़ा अच्छा गुलदस्ता बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा ना। अच्छा वो गेंदे का? नहीं गेंदे का भी नहीं है वो, बड़ा चमेली का? नहीं चमेली भी नहीं है। नहीं व्हाइट रोज? नहीं व्हाइट रोज भी नहीं है, थोड़ा प्यारा सा होता है वो, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा, प्यारा सा अच्छा सा, ये लंबी सी डंडी होती है ऊपर में होता है फूल जो होता है, रजनीगंधा? हाँ एक सेकंड, मैं बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी थोड़ी कहते हैं रजनी जी, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को बता दे कुछ सामान लाना है तो। नहीं चले जाओ। चलो ठीक है जी, तो इसका बनवा दो जी गुलदस्ता। नहीं नहीं ये तो हमारी मेरी बीवी का नाम है रजनी, दिमाग में आ नहीं रहा था उससे पूछूंगा भी तेरा नाम क्या है, तो फिर तो बीवी का नाम नहीं आ रहा, मेरे टाइम खराब करना था यार आप तो, इतना कुछ नहीं है तूने, कमाल की बात हो गई यार, अपनी बीवी का नाम पूछा, तेरी बीवी का नाम थोड़ा पूछ लिया, तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है अपनी बीवी का नाम पूछने के लिए, बीवी तेरी मेरी है, काम धंधा डाउन है तो मौत दिमाग खराब कर ले। चलो केक का बता दो फिर, केक लेना आपने? नहीं लेना तो बता दो वैसे कौन कौन से हैं। चॉकलेट? अच्छा वनीला? अच्छा स्ट्रॉबेरी? नहीं और मिक्स फ्रूट? मिक्स फ्रूट एक सेकंड, हाँ रजनी जी वो मिक्स फ्रूट वाला जैम मंगवा लियो, उसको बोल के दीपिका स्टोर वाले को। ठीक है वीर जी धन्यवाद, फिर आपका काम अच्छा चले मैं कहता हूँ भगवान से दुआ हमारी। मिक्स फ्रूट भेज दूं जी? नहीं मिक्स फ्रूट का जैम जो था हम भूल गए थे वो, हमने अब अपने किराने वाले को बोल देना फिर वो भिजवा देगा जैम। तेरी तो है नहीं, तू परेशान मत खराब कर रहा है। हेलो हाँ जी बोलो। केक भेजूं? बड़े ढीठ आदमी हो यार, ढीठ चाहिए। कौन बोल रहा है? दांत ऊपर से निकाल रहा है, दिमाग खराब कर रखा है भाई, वाकई में बहुत धंधा बंदा चल रहा है क्या? हाँ यार मैं 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, उनका बैंड बजा रहे थे। सही है भैया सही है। हेलो आपने की पॉलाश सर कथा बोल छन? हम बोल छी। पॉलाश सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना? हाँ पढ़ाई हमें हिस्ट्री। পলাশ দা আমার একটা ছেলে আছে ক্লাস 6-7 এ পড়ছে, ওর হিস্ট্রি টিউশন দরকার। আচ্ছা তো আপনি কি বাড়ি এসে পড়ান? হ্যাঁ বাড়ি এসে পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই। তো কত ফিস নেন স্যার আপনি বাড়ি এসে পড়ানোর? বাড়ি গিয়ে পড়ালে 2000 টাকা নিই আমি। 2000 টাকা? আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার কত ঘন্টা মানে কি পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কে কতটা গ্র্যাপ করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় যে একটু বেশি লাগবে, কেউ কেউ তাড়াতাড়ি ধরে নেয়, কেউ বেশি পড়াতে হয়। স্যার আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে কেন? স্যার আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ইউ নো ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে করে নিন। আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভারত কবে এসেছিলেন? 326 BC। স্যার দুসরা সওয়াল মেরা থা স্যার, মোহেঞ্জোদাড়ো এন্ড হড়প্পা এটা এখন কোথায়? পাকিস্তানে। স্যার আরিয়ান্স লিভড ইন সাউদার্ন ইন্ডিয়া? সাউদার্ন ইন্ডিয়া। আপনি বহুত পড়াই করি না স্যার? वो तो करना पड़ता है। अच्छा जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर इफ यू डोंट माइंड। ओके सर, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ पटना। नहीं वो तो हम कैसे पटे ये क्या हुआ? नहीं मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। एक बार बोलूं ताले कौन पाटा मैंने अपना जीए के? नहीं नहीं हो गया, थैंक यू। की होएगा छे? जो काम था वो हो गया मेरा। की काज? আপনি ফোন করে আমাকে কি কাজ কথা বলছেন? নেই তো মেরা কাম হো গয়া, হ্যাঁ তো ইয়ে নেই নেই ইয়ে কোয়েশ্চন অ্যাকচুয়ালি কিয়া থা, ইয়ে মেরে বচ্চে কা হোমওয়ার্ক থা, অর উসনে বোলা থা কি পাপা বিনা কিতাব দেখে কিজিয়েগা, মোবাইল কা ডেটা ভি খতম হো গয়া, তো হিস্ট্রি